जय माता दी। मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी, स्वागत है मेरे YouTube Facebook चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले कुंभ। कुंभ को कहा जाता है एक्वारियस, यानी कि इनके मंथली राशि फल, अगस्त के मंथली राशि फल के बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा होगा। कुंभ, जैसा कि उनके स्वामी शनि होते हैं, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिस प्रकार से शनि को माता पिता का साथ नहीं मिला, भाई बहनों का साथ नहीं मिला, इसी प्रकार से जो कुंभ राशि वाले जातक और जातिकाएं होते हैं, उनकी भी जीवन में माता पिता भाई बहनों से कम ही बनती है। इनका भाग्योदय कुंभ राशि का परिवार से दूर जाने में ही होता है। बहुत से लोग विदेश में बैठे हुए होते हैं, कुछ लोग परिवार से दूर बैठे होते हैं। साथ ही साथ जो कुंभ राशि वाले व्यक्ति होते हैं, वो काम में मास्टर होते हैं। इनसे काम में कोई नहीं जीत सकता, बातों में कोई नहीं जीत सकता। बात की आरएनडी, बात की खाल निकालना कोई इनसे सीखे, इनसे कोई झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि ये पकड़ लेते हैं और बातों को घुमाने में तो ये मास्टर होते हैं। साथ ही साथ कुंभ राशि वाले खुश मिजाज लोग होते हैं, चुटकला व्यंग आदि लोगों को, मित्रों को सुनाते रहते हैं। यानी कि कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के सामने अस्वस्थ व्यक्ति भी अगर इनके साथ रहेगा तो स्वस्थ हो जाएगा, बस उनका अपना नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने भाई बहनों से, अपने माता पिता से बहुत विवाद होते हैं, ब्लड के रिश्तों से इनकी बनती नहीं है। अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में कुंभ राशि के। तो 1 तारीख से लेकर 31 अगस्त तक देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये महीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। खासकर 7 तारीख से लेकर 31 तारीख तक देखा जाए तो कोई ना कोई पार्टी फंक्शन में आप लोगों को इनवाइट करने वाले हैं, लोगों को पार्टी देने वाले हैं, लोगों के साथ में फंक्शन करने वाले हैं। साथ ही साथ खूब म्यूजिक या मूवी देखने का मन अगस्त में आपका कर सकता है, या आपका म्यूजिक सुनेंगे, म्यूजिक का प्रयास करेंगे या मूवी देखेंगे, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ देवी की भक्ति में आपका अगस्त का महीना आप लीन होने वाले हैं, यानी कि आप देवी की बहुत पूजा पाठ करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं धन की स्थिति की। तो धन की स्थिति अगस्त के महीने में मालव्य योग बन रहा है। कुंभ राशि वाले नोट करो, 1 तारीख से लेकर 31 अगस्त तक 3 जगह से, ये मैंने 2 तो नहीं बोल दी, 3 जगह से धन संबंधी शुभ काम, शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। आप ग्रह की कैलकुलेशन कर लेता हूँ। शुक्र आपके द्वितीय भाव में मिथुन राशि में बैठे हैं, यानी मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि है, यानी कि आप जो संभावनाएं बन रही है, एक तो नौकरी से संबंधित आपकी कोई ना कोई बात मानी जाएगी और आपके धन में भी वृद्धि होगी, पहला ये संभावना बन रही है। दूसरा, लोन संबंधी स्वीकृति आपको मिल सकती है, या बैंक में आपने किसी चीज़ के लिए अप्लाई किया है तो वो काम आपका हो सकता है, और पुराने जगह से भी आपको धन लाभ अगस्त में हो रहा है। तो कुल मिला के 3 जगह से आपको कुछ ना कुछ अच्छा समाचार मिलेगा। अब बात कर लेते हैं परिवार भाव के बारे में। तो 1 तारीख से लेकर 31 अगस्त तक देखा जाए तो परिवार भाव में स्थान परिवर्तन का योग अगस्त में एक्टिव है, यानी कि परिवार में देखा जाए तो किसी सदस्य का भूमि का योग बन रहा है या भूमि रेनोवेशन का योग बन रहा है। साथ ही साथ किसी सदस्य का स्थान परिवर्तन, नौकरी में चेंज, काम में चेंज के योग भी अगस्त में बन रहे हैं। परिवार के साथ में नदी समुद्र की, पानी की यात्रा के योग भी नज़र आ रहे हैं। ये नहीं करेंगे तो एटलीस्ट घर के अंदर पानी संबंधी काम तो ज़रूरी करा लेंगे, जैसे बाथरूम का काम होता है, या पानी संबंधी काम तो ज़रूर आप अगस्त के अंदर कराने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं संतान भाव की। तो 1 तारीख से लेकर 31 अगस्त तक देखा जाए तो संतान के अंदर बहुत प्रयास करेगी आपकी संतान पढ़ने की, लेकिन एकाग्र चित्ता की कमी रहेगी। साथ ही साथ आप बड़ी संतान को अगस्त के महीने में जो भी काम करेंगे उसमें धन हानि के योग, या मोबाइल चोरी, या मोबाइल या वाहन में खर्चे के योग नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के अगस्त का महीना तो संतान के लिए अच्छा नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट आपकी संतान अगर अगस्त में करती है शेयर के अंदर या ऐसे मार्केट के अंदर, तो नुकसान होने के योग नज़र आ रहे हैं। काम में कठिनाइयां बनी रहेंगी, और जो आपकी बड़ी संतान है उनके मित्रों से भी या अपनी वाइफ से भी आपकी संतान की, उनके वाद विवाद रहेंगे। तो कुल मिला के संतान के लिए अगस्त का महीना अच्छा नहीं है, तो उनको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थी स्टूडेंट लोगों के बारे में। तो मित्रों और परिवार वालों से अगस्त के महीने में वाद विवाद रहेगा, विद्या में एकाग्र चित्ता की कमी रहने वाली है, तो थोड़ा सा आपको विद्या में ध्यान करना है। पहले सरस्वती माता का ध्यान करके विद्या को ग्रहण कीजिएगा, एकाग्र चित्ता की जो कमी है वो दूर होगी। अब बात कर लेते हैं नौकरी भाव के बारे में, यानी नौकरी वालों के साथ में क्या होने वाला अगस्त में।
तो मालव्य योग बन रहा है, यानी 1 तारीख से लेकर और 31 अगस्त तक तीन बड़े काम आपके बनने वाले हैं। अब वो तीन बड़े काम क्या बनने वाले हैं, इसके बारे में संभावनाएं देख लेते हैं। पहला, नौकरी से संबंधित कोई रुका हुआ या मनचाहा इच्छा जो रुकी हुई है वो अगस्त में पूरी होने वाली है। कोई ना कोई नौकरी से संबंधित बड़ी खुशखबरी भी आपको मिलेगी। तीसरा, धन पद में हल्की आपकी कुछ ना कुछ वृद्धि भी अगस्त में होने वाली है। यानी तीन बड़ी खुशियों का सौगात नौकरी वालों को मिलने वाला है अगस्त में। अब बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की। खासकर प्रेमी और प्रेमिकाओं के बारे में बात करें तो कुछ समय के लिए लव कपल, ध्यान से सुन लो अगस्त का महीना कैसे रहने वाला है। कुछ समय के लिए मंगल और राहु की युति 12वें भाव में बढ़ रही है, तो कुछ समय के लिए आप दोनों को अलग रहने के योग नजर आ रहे हैं। यानी कि आपका पार्टनर आपके लिए, आपसे कुछ समय के लिए दूर जाने वाला है, ऐसा योग नजर आ रहा है। पति पत्नी के बारे में बात करें तो पार्टनर अगस्त के महीने में जो आपका पार्टनर है उनको स्वास्थ्य संबंधी इशू रहेंगे, सर दर्द, माइग्रेन की परेशानी, हाथ पैर में परेशानी, किसी को सर दर्द रहेगा, किसी को माइग्रेन, किसी को हाथ पैर की परेशानी, बहुत से कुंभ राशि वालों को रहने वाली है। डॉक्टरों पे टेस्ट कराने के योग नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ जो आपका पार्टनर का परिवार है वहाँ भी कोई ना कोई बुरी सूचना आपको मिलेगी, यानी कि पार्टनर के परिवार में कोई ना कोई बुरी सूचना अगस्त के महीने में होगी, जिसकी सूचना आपको मिलेगी, यानी ऑपरेशन से संबंधित या हल्के फुल्के एक्सीडेंट से संबंधित संभावना है कि ये सूचना हो सकती है। अब बात कर लेते हैं व्यापार भाव की, यानी जो कुंभ राशि वाले अपना काम करते हैं उनके बारे में बात करें तो जो शुभ 7:30 लगी हुई है शनि मकर राशि में जो चले गए हैं 12 जुलाई में, तो उसका प्रभाव आपको अगस्त में मिलेगा। 1 तारीख से लेकर 31 अगस्त तक देखा जाए काम में लबालब वृद्धि होगी, यानी काम आपका बढ़ जाने वाला है। लेकिन क्योंकि शनि लगे हैं आप परेशान ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो काम में तो जहां वृद्धि होगी वहीं पर मशीन और कर्मचारी से बड़ी लड़ाइयां, बड़ा आपका माथाचप्पी होगी, यानी मशीन और कर्मचारियों की परेशानी से आप बड़े जूझेंगे। हालाँकि काम में अगस्त के महीने में बहुत अच्छी वृद्धि आपको देखने को दिखाई देगी। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, जय माता दी।